नहीं बंडिया वंडिया लगा रहे तो प्रॉब्लम हो रहा कहते ना आप लोग में हो रहा कभी रोड बंद रही वो बोलो हम लोग तो उनको तकलीफ अकेले हो रही खाली नहीं आप लोग इधर ही रहते पूरी एक गली में रहते आप लोग वो घर है उनका वो घर है इनका बाजू का घर है और इनका पीछे घर है इनका बाजू घर इनके बाजू ये घर के बाजू वाले है ये वो सांप वो बड़े वाले वो घर में रहते ओनर है ना हाँ। तो किराएदार से तकलीफ है इनकी अच्छा अभी पूरे घर वाले ओनर है अंदर खाली जगह ले किराएदार नहीं रहना बोल आप लोग क्या करते वही बढ़ने होंगे किराए वाले खाली जगह ले यहाँ पे साउंड पोल्यूशन रात में वो गेट को कुत्ता बने हुआ रहता साउंड पोल्यूशन दुनिया का है भोगते रहता है गेट को मारा धड़ा धड़ नींद खराब साउंड पोल्यूशन एक पर्दे कंप्रेशन होगा पूरा टीन फूट गया मैं टीन का अंदर का वीडियो इधर अंदर का भी वीडियो बता अंदर टीन फूट गया बारिश में बच्चों को लेके कभी दिन तकलीफ सुल्तानाबादी आपको बताया मेरा टीन फूट गया बोल के बोला पूरा बारिश में मलबा मेरे घर में था तो बोला मैं तकलीफ दिया इनको दिया आप बोले कानून बर्दाश्त करो बोले बर्दाश्त करा सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद हुसैन चिंतलमेट मैं एक भंडी वाला हूँ एक आर्मी वाला मेरे को 5 महीने से हरासमेंट कर रहा ये बात करेगी मारने की धमकी गाड़ डालने की धमकी रैप करने की धमकी एक भंडी वाला किराएदार अपने अपने घर में नहीं रह सकता ये बता रहा हूँ किराएदार नहीं रहना भंडी वाला नहीं रहना ये भंडी वाले से एलर्जी है उसको और किराएदार से भी एलर्जी है हमारी गली में 25 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ आज तक कोई भी जाति मकान वाला कभी भी किसी के ऊपर ये नहीं कर लिए ये आर्मी वाला हमारी गली में आके 3-4 साल से हमारे इतना तंग करके रखा हुआ है बात करेगी मार डालता हूँ बच्चों को ये कर डालता हूँ तेरी बीबी ऐसी तेरी बीबी वो गली अल्फाज इस्तेमाल कर रहा और पढ़ा लिखा है बंदा कहीं के लिए हो रहा इसलिए हो रहा है उसका घर तामीर हो रहा था जब मैं वहाँ पे मेरा कमर्शियल ऑटो मेरे घर के हस्बैंडी में लगाने के बाद उन्होंने आके मेरे को बोला ये ऑटो हटाया से तो किराएदार एक ऑटो नहीं लगाना मेरी घर की हस्बैंडी में मैं ना ऑटो लगा सकता हूँ ना गाड़ी लगा सकता हूँ ना बाइक लगा सकता हूँ यहाँ तक कि हद ये हो गई कि उसके घर में कुत्ता है एक वो कुत्ते को लेके आ रहा हगा दे रहा मेरे घर के पास वो कुत्ते को लेके आ रहा पेशाब करा दे रहा मेरे पास वो घर का मलबा गिरा घर बनाते हुए पूरा टीन फूट गया बच्चों को बारिश में लेके रह गया हमें फिर भी मैं कंप्लेंट नहीं करा सामने वाले को बोला नहीं तकलीफ नहीं किया चलो पड़ोसी हो लेकिन हद ये क्रॉस कर गया कल रात में आके गैर गलत अल्फाज बोल के मेरे को मार डालता हूँ काट डालता हूँ तेरे को गैप कर डालता हूँ मेरे बंडियों के ऐसे ये हो रहा जबकि 200 फीट का लारी जाता मेरे बंडी रखने के बावजूद मैं ये बताया साहब मेरा टीन का काम चल रहा टीन खोल दियो मैं छप्पर खोल दियो ये टीन का काम कंप्लीट हो जाएगा मैं मेरे अपने बंडियाँ अंदर लगा लूँ तो बंडी वाला नहीं रहना बोल रहा बंडी वाला और किराएदार नहीं रहना ये गली में कौन सा एरिया है ये सिंगल मेड है हनुमान मंदिर नियर ये आपसे बहस करने की आपके मकानदार बात नहीं करे उनसे भाई मकानदार तक अभी ये तो लगे बात नहीं गई क्योंकि मैं ज़्यादा इशू नहीं करना क्योंकि पड़ोसी है मिलजुल के रहना बल्कि ये मकानदार था लगे अभी बात नहीं पहुँची 5 महीने से सरासर तकलीफों पर तकलीफ दे रहा और बात करे क्यों नहीं आर्मी वाला है मैं आर्मी वाला हूँ मैं एजुकेशन हूँ तेरे को उड़ा डालता हूँ तेरे को ये गैप कर डालता हूँ मैं होम मिनिस्टर करने जाता हूँ होम मिनिस्टर मेरा दोस्त है मेरा KTR मेरा दोस्त है KTR के साथ उठना बैठना है मेरा तू क्या दिक्कत देखा मेरे को अभी बताया तो तेरे को तू लौंडा आ रहे आप मैं ये चाह रहा हूँ वही होम मिनिस्टर थे जो होम मिनिस्टर अमीरों का है वही होम मिनिस्टर थे ये चाह रहा हूँ कि गरीबों के लिए इंसाफ है नहीं है और हमारे ये राजेंद्र नगर के PS वाले साहब जो है हमारे साथ इंसाफ करे बस इतना ही चाह रहा हूँ गरीब के साथ है नहीं है ये मालूम है।